हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार आप लोगों को एक चीज़ बताना था कि MBA से रिलेटेड और कैट से रिलेटेड थोड़ा सा, अब कैट का एग्ज़ाम भी आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो पे व्यूज़ मेरे थोड़े से ज़्यादा बढ़ रहे हैं और साथ में लोगों के क्वेश्चंस भी बढ़ रहे हैं कि कौन सा कोचिंग क्या कैसे। और मेरे को पता है कि यार इस समय लोगों का थोड़ा सा क्यूरियोसिटी भी बढ़ता है, थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन भी शायद ज़्यादा होता है कि कैसे हम लोग कैट का एग्ज़ाम क्रैक करें और कौन कौन से एग्ज़ाम्स भरने चाहिए। अब तो कोरोना है, कोविड है यार, एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे इस चीज़ का भी दिक्कत है और ये सब थोड़ा सा टेंशन साथ में है और साथ में पढ़ना भी है, तो इतना कुछ है और समझ में भी शायद बहुत लोगों को नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस वेडनेसडे यानी कि आज से ठीक 2 दिन बाद मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ एक MBA कैट का एक वेबिनार। तो उस वेबिनार में मैं आप लोग को बेसिकली, आप समझ के चलो तो, कैट के प्रिपरेशन से रिलेटेड, कोचिंग से रिलेटेड, जो मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि मैंने MBA क्यों ड्रॉप किया, ये सब का समरी तो मैं बताऊंगा ही, साथ में अब के समय से क्या प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। साथ में देखो यार, मुझे तो कोई अच्छा स्कोर आया नहीं था और एक साल मैंने फिर ड्रॉप कर ही दिया था, मैंने अगले साल कैट दिया नहीं, तो फिर उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, मैंने क्या अच्छा किया, मैंने कौन सा सब्जेक्ट अच्छा किया था, उसका मैं आपको बताऊंगा कि आप उस चीज़ का सब्जेक्ट का तैयारी कैसे कर सकते हैं, और जिस सब्जेक्ट को मैंने अच्छे से नहीं किया यानी कि इंग्लिश, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो सब्जेक्ट भी आप कैसे अच्छा कर सकते हैं या फिर आप कौन सा मेथड अपनाएंगे जो कि मैंने नहीं अपनाया था ताकि आपको उस सब्जेक्ट में मार्क्स आ सके। और अगर आप दोनों में अच्छे हो यार तो फिर ऐसे ही याद आना कोरोना और कोविड के बारे में सुनने के लिए कि क्या एग्ज़ाम्स होने के चांस हैं, कैसे हैं कैसे नहीं है। तो बस यही था आज के वीडियो में जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये फोन हाथ में ही लेकर के शूट कर रहा हूं यार वीडियो। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो, ये हो सके आप 10-20 दिन बाद देखो, थोड़े टाइम बाद देखो, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता देना यार, मैं दोबारा एक और ऐसे ही वेबिनार कर दूंगा, उस चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बस मुझे बता देना, मैं दोबारा लाइव आ जाऊंगा, दोबारा एक आपके लिए वेबिनार कर लूंगा। और साथ में आप नीचे कमेंट करके मुझे अपने बेसिक क्वेश्चंस भी बता सकते हैं और जो अगर ज़्यादा कुछ पूछे जाने वाले क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं उनको सबसे पहले उठाऊंगा, मैं सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा और उसके बाद फिर बाद में आप लोग के सारे प्रॉब्लम्स लेकर के उनको डिस्कस करूंगा। तो बस यही था आज के वीडियो में, जल्दी से हम लोग मिलते हैं यार परसों के वेबिनार में और उसके बाद जो भी आपके कैट से रिलेटेड MBA से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसको जा करके फॉर्म फिलअप कर सकते हो, हम लोग जल्दी से एक वेबिनार करेंगे और साथ मैं आपको सारी डिटेल्स उस पर मिल जाएंगी। तो बस जल्दी से आ जाओ यार, और अगर कोई दिक्कत हो टेंशन हो तो अभी से कमेंट करके मुझे बता दो, मैं आप लोग का आंसर अभी से प्रिपेयर करके रखूंगा। तो मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।